अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमाद। आज मैं बिल्कुल एक सिंपल सा इफ़ेक्ट है, स्प्लैटर इफ़ेक्ट। ये बिल्कुल इस तरह से ये मैं बनाऊंगा। अब किस तरह से अपने पिक्चर को, ये बिल्कुल सिंपल सी पिक्चर थी, ये पिक्चर थी जिसको मैंने स्प्लैटर इफ़ेक्ट में चेंज कन्वर्ट किया है। तो बड़ा ही सिंपल सा डिज़ाइन होगा और बड़ा इजी और बड़ा आसान सा, बड़ा आपको पसंद भी आने वाला है। ये मैंने जल्दी जल्दी में बनाने के बाद फ़ौरन उसका एक जो है ट्यूटोरियल आपके साथ मैं अभी आपके सामने रखूँगा, बनाऊंगा। तो उसमें आपको ये है कि बड़ा इजी एडिट कर सकते हैं या बना सकते हैं पिक्चर, और इसमें आप अपनी पिक्चर एडिट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें सिंपल आपने क्या करना है, आपने अपलोड्स में जाना है, कोई भी पिक्चर उठा लेनी है, यहाँ से अपलोड करनी है। अपलोड यहाँ पे इस तरह से, मेरे पास ये पिक्चर पड़ी हुई है, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं इसको यहाँ पे कर लूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। रिमूव बैकग्राउंड जो ऑप्शन है वो ये है कि आप फ्री में भी कर सकते हैं। मेरा कैनवा प्रो वर्जन है तो मुझे ये यहाँ पे फ्री है, लेकिन जिनके पास फ्री वर्जन है वो मेरी एक वीडियो है, अनदर वीडियो जिसमें हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड फॉर फ्री, वो वीडियो बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, 4 से 5 मिनट की, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देखें। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फॉर फर्दर वीडियोज़, और इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। और इसका जैसे ही बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है तो फिर हम इस पे फर्दर जो है वो करते हैं काम। मैं उतनी देर में एक सब इफेक्ट है, स्प्लैटर इफेक्ट, बल्कि मैं बाद में ही सर्च आउट करूँगा। ओके जी, ये हो गई रिमूव। इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल एडजस्ट में आ जाए, एडजस्टमेंट में आ जाए। और इससे पहले मैंने इस बटरफ्लाई पे बनाया था ये स्प्लैटर इफेक्ट, और वो ट्यूटोरियल मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे किसी पिक्चर पे बनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ एनी बटरफ्लाई और एनी अदर एनिमल, ताकि जिसने भी खुद खुद की पिक्चर पे भी बनाना हो वो इजीली बना सके। ओके जी, ये पिक्चर है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके जी, अब इस पे मैं स्प्लैटर स्पेलिंग SPLATER स्प्लैटर इफेक्ट अप्लाई करूँगा, देन उसके बाद मैं फ्री, ऑलमोस्ट फ्री वाले ही यूज़ करूँगा। ये मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। इसमें मैं ढूंढूंगा कि कोई अच्छा सा इफेक्ट मिलता है, मैं ये वाला एक उठाता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ ये उठा लेता हूँ, बल्कि ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है मुझे, जो स्प्लैटर में ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा मैं यहाँ से भी कोई उठा सकता था। फर्दर काफ़ी इफेक्ट्स हैं यहाँ पे स्प्लैटर। ओके जी, इधर मैं ग्राफिक्स में आके भी ढूंढ सकता था इसको। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस कि इसको किस तरह से आपने ढूंढना है। सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर के हिसाब से इसका जो कलर है वो चेंज करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूंगा इस साइड को। इसका मैं साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा करूंगा बिकॉज ये बिल्कुल ठीक तरह से आ जाए, और इसको एडजस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लगा दूंगा। देन उसके बाद ये है कि आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर, इसका बैकग्राउंड कलर के साथ जो है वो मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा और अंदर को कर देता हूँ। ओके जी, अब इसकी मैं कॉपीज लूंगा Ctrl C Ctrl V के साथ, Ctrl C Ctrl V। तो मैं इसी तरह से थोड़ा सा घुमा दूंगा ताकि ये Ctrl C, Ctrl V।
मुझे जिधर भी इसको स्प्लैटर करना है मैं उधर उधर से ये इसको इससे ये पेस्ट करता जाऊंगा। कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी भी आप करते जाएं, लेकिन उसमें यह है कि जिधर से पहला आप फिर कॉपी करेंगे उधर से ही बाकी कॉपी होंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूँगा, तो थोड़ा सा सेटल डाउन कर दूंगा और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल, देन मैं इसमें ये इसको बड़ी खूबसूरत अंदाज में मैंने, देन उसके बाद मैं स्प्लैटर इससे अप्लाई करूंगा। स्प्लैटर को मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा और उसके बाद इसका मैं जो है वो ये चेंज कर दूंगा, डायरेक्शन थोड़ी सी और इस तरह से कर दूँ। ओके जी, अब इसका मैं कलर जो है वो कलर सबसे इम्पोर्टेंट है, फॉरवर्ड सबसे फॉरवर्ड में इसको मैं रखूँगा सबसे ज़्यादा, करके बैकवर्ड में ही रहने दूंगा। इसका मैं कलर अब उसी तरह से चेंज करता जाऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लूँ ताकि ये सही से एडजस्ट हो जाए कलर वाइज। इसका मैं कलर उसी तरह से चेंज करता जाऊंगा जिस तरह के पिक्चर का कलर है। इस सबसे पहला कलर ये है, उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा, फिर उसके बाद मैं जो कलर है वो इसके कॉलर का वो ये है ये कर दूंगा, देन उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा, देन यहीं पे ही मैं एक कलर और अप्लाई कर दूंगा थोड़ा सा नीचे करके इसके कोट का, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा, देन उसके बाद फिर कंट्रोल वी करूँगा। मैं इसी तरह से इसको कंट्रोल वी करके यहाँ से ही पकड़ता जाऊंगा और पेस्ट करता जाऊंगा। मैं अभी सिर्फ कंट्रोल वी प्रेस कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं इसको फर्दर जो है वो आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ तक एडजस्ट करूँगा क्योंकि उसके बाद आ जाएगा इसके हैंड का कलर, और मैं कंट्रोल वी करूँगा और देन उसके बाद जब मैं ये यहाँ पे लगाऊंगा तो मैं इसके हैंड का कलर, ये कलर्स हैं जो पिक्चर के कलर्स हैं, ये देखिए पिक्चर में जौन जौन से कलर हैं वो इस लाइन में आपको नजर आएंगे। फिर कंट्रोल वी करूँगा तो फिर वही आ जाएगा मेरे पास स्प्लैटर, फिर कंट्रोल वी फिर आ जाएगा। इसी तरह से मुझे बार बार इसको चलाते जाना है चलाते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता से इसको लगाते जाना है साथ साथ। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल कॉपी एंड कंट्रोल पेस्ट। बेसिकली ये कॉपी और पेस्ट ही है, जिसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से हम वो कमांड देते हैं और कंट्रोल सी एंड वी, देन अब ये आ जाएगा इसके बूट का कलर। थोड़ा सा मैं इसमें पहले ये टच दे दूंगा, सेम उसी टाइम पे मैं कंट्रोल सी और वी करने के बाद इसको मैं ग्रे टच दे दूंगा, और उसके बाद मैं फिर कंट्रोल सी एंड वी करूंगा और इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लगाऊंगा, मैं डार्क में टच करूंगा कंट्रोल सी एंड वी, देन उसके बाद फिर से यहाँ पे मैं यही दूंगा और एक बड़ा ही ज़बरदस्त पिक्चर ऑलरेडी तैयार है, लेकिन मैं इसको फर्दर डिज़ाइन करूंगा कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा गहरा करता जाऊंगा, वो पिक्चर को इसी तरह से मैंने इसी तरह ही बनाया हुआ है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं। आप इसको जितना चाहें डार्क कर सकते हैं, आप अपने स्प्लैटर इफेक्ट को जितना चाहें आप इसको डार्क कर सकते हैं और
जिस तरह का चाहें आप इसको बना सकते हैं, जितना इसको बढ़ाना चाहें आप उस तरह से बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल वी करूँगा, जिस तरह से आप इसको चाहें आप इसको मैनेज कर सकते हैं। देन इसको मैं डाउनलोड करूँगा, किस तरह से डाउनलोड करना है। समटाइम मुझे क्वेश्चंस आता है कि सर डाउनलोड करना भी तक नहीं आया। थोड़ा सा अगर आप वीडियो पे फोकस करें तो किसी ना किसी वीडियो में डाउनलोड मैं ज़रूर बता देता हूँ, लेकिन इट्स नॉट द इशू। मैं अगेन आपको थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जैसे ही डाउनलोड होगी तो यहाँ पे ओपन हो जाएगी पिक्चर ऑटोमेटिकली। ये देखें, ये आज हमने बहुत ज़बरदस्त पिक्चर क्रिएट की है। ये देखें, एक स्प्लैटर इफेक्ट। मैं इसको किसी भी स्प्लैटर से जो है वो क्रिएट कर सकता था, और मैंने अब कोई भी पिक्चर इसमें यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू डोंट हैव एनी इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट।